नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुमत हासिल कर एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना ली है। इस बार बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार सहित कुल 15 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। आइए जानते हैं इन बिहार के सभी नए कैबिनेट मंत्रियों की शिक्षा कहां तक पूरी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और ये बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं। अब हम बात करेंगे तारकिशोर प्रसाद के बारे में। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने हैं और मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वित्त विभाग सहित कुल 6 विभाग इनके पास है। तारकिशोर प्रसाद 12वीं तक पढ़ाई किए हैं। रेणु देवी भी इस बार बिहार की उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। ये बेतिया विधानसभा सीट से जीत कर आई हैं। रेणु देवी भी 12वीं पास हैं। मेवालाल चौधरी जदयू पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मेवालाल चौधरी ने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई पूरी की है। बिजेंद्र प्रसाद यादव मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सहित कुल 4 विभाग बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी 12वीं तक ही पढ़ाई पूरी की है। अब बात करेंगे विजय कुमार चौधरी के बारे में। विजय कुमार चौधरी कैबिनेट में ग्रामीण कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित कुल 5 विभागों के मंत्री बनाए गए हैं। विजय कुमार चौधरी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। अब बात करते हैं अशोक चौधरी के बारे में। अशोक चौधरी को नई कैबिनेट में भवन निर्माण, समाज कल्याण सहित कुल 4 विभाग मिले हैं। शीला कुमारी पहली बार विधायक बनी है और इस नई सरकार में उन्हें परिवहन विभाग मिला है। शीला कुमारी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। मंगल पांडे एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इस बार पथ निर्माण और कला संस्कृति एवं युवा विभाग भी मंगल पांडे को ही मिला है। मंगल पांडे ने स्नातक किया है। मुकेश सहनी नई कैबिनेट में मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है। मुकेश सहनी ने सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई पूरी की है। जीवेश कुमार को श्रम संसाधन, पर्यटन सहित कुल 3 विभाग मिला है। जीवेश कुमार स्नातक तक पढ़ाई किए हैं। रामप्रीत पासवान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला है। रामप्रीत पासवान ने डॉक्टरेट किया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि सहकारिता सहित कुल 3 विभाग मिले हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की है। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मिला है। संतोष कुमार सुमन ने राजनीति शास्त्र में पीजी किया है। बताते चले कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जीतन राम मांझी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।